Good morning, students. In the continuation of chapter number 5, Economics, Standard 12, Poverty, today we are going to continue with the topic 5.2, that is Nature of Poverty. Okay, already we have done the first one, so I hope you have heard it or watched it, right? Please, number of time repeat karna so that aapko ek baar clear ho jaye, phir uske baad chapter padhna saath mein, so that aapko easy ho jaye. Let's start. Nature of poverty. To understand the concept of poverty more clearly, according to its nature, economists have divided poverty into two types. Right? That is, one is absolute poverty and another is relative poverty. Absolute matlab complete poverty or relative poverty matlab comparative poverty. Right? Ab ye dono kya hai? Ye dekhte hain. Absolute poverty. The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs. जैसे पता है ना, रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ एंड सर्विसेज इज नोन एज पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा. सुना होगा राइट, गरीबी रेखा. राइट, राशन कार्ड में भी इसी पे डिवाइड किया जाता है. राइट, तो द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्युटली पुअर. एब्सोल्युट पॉवर्टी इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी. द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्युट पॉवर्टी हेल्प्स अस टू कैटेगराइज people living below poverty line and to reduce poverty among these, target oriented policies can be framed. Right, first of all we need to identify ke absolute poverty ke niche kon kon rehte hain, fir un par hum policy bana sakte hain, kuch reforms leke aa sakte hain, so that kya hai, hum ye poverty ko eradicate kar sakte hain ya to reduce kar sakte hain. Right, let's start. First one, poverty line. To understand the levels of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereal, pulses, milk, butter, etc. should be studied. Okay, अब ये देखिए, पहले बात स्टार्ट करते हैं फूड से कम इतना फूड तो चाहिए. अब ये फूड मतलब वो नहीं कि बस कुछ भी खाने को मिल गया, वो नहीं. फूड का मतलब वो है कि न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन अगर देखें तो कैलोरीज में बांटा जाता है. तो कैलोरीज कम से कम इतना कैलोरी चाहिए, इतना कैलोरी अगर वो एफर्ट कर सकते हैं या उनको आराम से मिल जाता है तो इज नॉट पुअर. अब वो लिखा है राइट, तो उसमें कितने सीरियल्स पल्सिस मिल्क बटर ये सब का फाइंड आउट करते हैं. टू एसरटेन द मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एज डिसाइडेड दैट फॉर रूरल एरियाज पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरीज एंड फॉर अर्बन एरिया, जो गांव वाले जो है वो 2400 कैलोरीज और अर्बन एरिया मतलब सिटी वाले जो है उनके लिए 2100 कैलोरीज की जरूरत है. दिस इज बेस्ड ऑन दैट वर्क स्टाइल. राइट, लाइफ स्टाइल बोलो या वर्क स्टाइल बोलो. दिस मेथड वॉज एक्सेप्टेड बाई प्लानिंग कमीशन इन 1969 एंड टेकिंग 1960-61 प्राइसेस एज बेस ईयर, रुपीज 20 पर कैपिटा पर मंथ वॉज डिसाइडेड एज द मेजरिंग रॉड फॉर पॉवर्टी. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1960-61 को बेस ईयर कंसिडर करके 20 पर कैपिटा पर मंथ वॉज डिसाइडेड. ओके, तो ये किसने डिसाइड किया था? प्लानिंग कमीशन इन 1969. फिर ICMR याद रखो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. विद दिस वर्किंग मेथड डांडेकर एंड रथ फॉर रूरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ 1960-61 प्राइसेस डिसाइडेड रुपीज 15 पर कैपिटा पर मंथ एज पॉवर्टी लाइन एंड फॉर अर्बन एरिया 22 रुपीज 50 पैसे पर कैपिटा पर मंथ. लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DT लकड़ावाला विच एस्टिमेटेड पॉवर्टी फॉर द ईयर 1993 टेकिंग 1973-74 प्राइसेस एज बेस ईयर प्राइसेस फॉर रूरल एरिया एंड रुपीज 49 पर कैपिटा पर मंथ एंड अर्बन एरिया रुपीज 57 पर कैपिटा पर मंथ. Consumption expenditure was estimated to fulfill the requirements for the above poverty line. अलग अलग commission, अलग अलग years में उन्होंने right रखा, so that और improvement हुए, इनका per capita month consumption कितना होना चाहिए, expenditure कितना होना चाहिए, वो decide किया. अब ये decide करने के लिए क्या करता है, हमेशा देखो एक comparative चाहिए, तो इसीलिए base year को रखा जाता है. बेस ईयर को रख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, तो ये बेस ईयर के संपरिधन में ये हमने क्या किया है. राइट, दिस इज द थिंग. तो ये है
per capita per month consumption expenditure. Now, in the method of calculating poverty line, one of the major drawbacks is that it only takes into account calorie consumption, but poverty is an economic situation and hunger is a physical situation, so that the poverty line becomes starvation line. Dekho, poverty is an economic situation, hunger matlab bhook, it is a physical situation, so this decides the starvation line. So to make the concept of poverty line more progressive, the minimum standard of quality life should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen, fuel, clothing, educational expenditure, housing, etc. should be included. In this context, to redefine the measuring rod of poverty, the committee under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar submitted its report to the government in the year 2009. The committee decided a new method of measuring poverty in which, apart from the consumption expenditure for minimum calorie, expenditure on education and health, dekha, ye bhi include kiya, kyunki sirf मनी सिर्फ भूख से नहीं खत्म होता है पॉवर्टी, am I right? तो एजुकेशन एंड हेल्थ को भी इसको कंसिडर किया है, इसको मैं ऐड किया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मेथड, इन द ईयर 2011-12 द पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज इज 816. देखा आपने, 15 रुपया और 20 रुपया रखा था, वो सिर्फ खाने की बात कर गया, लेकिन जब एजुकेशन और हेल्थ आ गया तो क्या बन गया, 816 रुपीज, और अर्बन के लिए 1000. In order to calculate absolute poverty at an international level, the cost of resource, all resources consumed by an average adult are considered. At international level, poverty line based on purchasing power poverty, right, PPP, 3P, decided as $1.25 per day for the year 2005, which was $1 for the year 1990, and for the year 2015, it is adopted that $1.90 per day. With the help of international poverty line, absolute poverty for the different nations can be measured using a uniform method. Let's see. First wala jo hai, measurement of absolute poverty in India. In the 68th round of NSSO, that is National Sample Survey Organization, 2011-12, using per joint family expenditure data, Tendulkar committee estimated that in India in the year 2004-05, the expenditure of the absolute poverty was 37.2%, which reduced to 21.9% in the year 2011-12. Right, let's see the table. Measurement of poverty in India, right, rural mein tha 41.8 2004-05 mein, wo kitna ho gaya sidha reduce ho gaya 25.7 11-12 mein. Urban mein 25.7 tha to sidha ho gaya 13.7. अगर इनका एवरेज निकाले तो देखिए 37.2 से हम लोग कहाँ हुए ऑल ओवर नेशन का 21.9. सो अब इसका देखिए, जब भी इस तरह आप टेबल बनाए, उस टेबल का नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो, लिखिए, जितना आप डिस्क्रिप्शन करेंगे, जितना आप पेपर भरेंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट. सो ये वही देखो, ये पैराग्राफ आता है, इन द रूरल इंडिया द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन द ईयर 2004-05 वाज 41.8%, which reduced to 25.7% in the year 2011-12. Whereas in the urban area, the measurement of poverty was 25.7, that reduced to 13.7% in the year 2011-12. Now, state-wise, dekhte hain. According to the Planning Commission, 2011-12, the state-wise magnitude poverty is as follows. Let us see, below 10% poverty, kaha hai to Goa, Kerala, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये सारे लोग वहाँ पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी लाइन जो है, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बहुत कम है, तो मतलब इट इज़ वेल डेवलप्ड, राइट, थोड़े डेवलप वाले हैं. 10-20% में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय. 20-30% में वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश. लेकिन 30-40% में अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर मजदूर हमको जो मिलते हैं या ये स्टेट से मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस 30-40% पॉवर्टी लाइन. अकॉर्डिंग टू दी अबव इंफॉर्मेशन, द स्टेट लेस देन 10% ऑफ पॉवर्टी आर गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जो टेबल है उसका डिस्क्रिप्शन है, बराबर, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश,
Whereas in Jammu, Kashmir, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, it is below 10% to 20% measurement. But Madhya Pradesh, Assam, Bihar, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh, inka yahan kitna hai 30 to 40%. Lekin according to the annual report of 2013, among various states of India, Goa has the lowest poverty, that is 5.09%. And the highest measurement of poverty is for Chhattisgarh, that is 39.93%. Now let us see relative poverty, comparative poverty. अच्छा, ये relative poverty के लिए मैं आपको एक बात example समझा देता हूँ. Relative poverty कौन है, right? Suppose A, B, C ले लो. A, B, C. ये 10,000 कमाता है, उसका salary. B 15,000 कमाता है और C 20,000 कमाता है. तो अगर आप देखो B और C के सामने A सबसे गरीब हुआ, poor हुआ, right? और सी के सामने बी पुअर हुआ क्योंकि वो कम कमाता है. और जो अगर आप देखो तो सी के सामने ये दोनों पुअर है. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कंपैरेटिव पॉवर्टी, इसको बोलते हैं हम लोग. उसमें मैंने क्या बोला था, कंप्लीट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो क्या बोला था, कंप्लीट पॉवर्टी. अब मैं बोल रहा हूँ कंपैरेटिव पॉवर्टी. ओके, लेट्स सी इन द कंसेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी. द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर required for the satisfying minimum needs is taken into consideration, but in the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in society is considered. Commonly in every economy, income disparity is seen. In that case, lower income class is considered relatively poorer than the higher income class. To study relative poverty, society is divided into different income groups and unequal distribution of income is studied. Relative poverty exhibits the level of income inequality among different class of people. It is argued in context of India that as a rapid developing economy, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty or unequal distribution of income should be considered. Right? So, ye dekhi poverty or poverty line, ye jo unequal distribution hai na, wo important hai, wo consider karna jaruri hai. The concept of relative poverty can be studied with the help of hypothetical example. For example, a nation's population is divided into the basis of five income group. बराबर है, 0 से 30,000 तक कमाने वाले, 30,000 से 1 lakh तक कमाने वाले, 1 lakh to 3 lakh तक, 3 lakh to 10 lakh or 10 lakh and above. So in the above example, if you see the class 2 group has more than the class income of the people in group 1. मैंने अभी जो example दिया, वही हुआ. बराबर, so it can be said that the group 1 people are relatively poorer than the group 2 comparatively. तो ये group 1 जो है इसके relative में ये poor है. group 2 जो है बेचारा 3 के relative में poor है. 3 के relative में 1 और 2 दोनों poor है. तो इस तरह compare करते जाएंगे तो ये relative poverty हुआ. मतलब to measure relative poverty or income inequality, generally formation of income group, Lorentz curve and Gini coefficient are useful. One line answer, Lorentz curve, Gini coefficient are useful. So students, our second topic is over. I hope you understood. Aap dekhe, if you don't understand or if you are having any query, please comment to me. Okay, comment me likhe so that I will try to reply you. Aur samjhaye ye number hamara WhatsApp number bhi hai. You can contact me on WhatsApp also. Okay, bye for the day. Have a nice day.